हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 21 अप्रैल और आज हम 21 अप्रैल 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। हेनले के द्वारा एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है तो उसमें आपको बताना है कि भारत का पोजीशन क्या था। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत का स्थान था वो था 84th। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी 84th। इसमें क्या होता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया जाता है उसमें यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट को मापा जाता है और उसी के आधार पर उसको रैंकिंग किया जाता है और यह भी देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो टॉप पर रहा वो था जापान, नंबर टू पर था सिंगापुर और भारत का स्थान था 84th। वहीं अफगानिस्तान इस पायदान इस इंडेक्स में सबसे नीचे पर था और उसका स्थान रहा 110। सो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर वन क्वेश्चन, तो ये बनता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा, तो भारत का स्थान था 84th। दूसरी चीज, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर वन पर कौन था, जापान। और अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर कौन रहा, तो अफगानिस्तान। तो इतना इस न्यूज से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। आपको बताना है कि वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल जो है वो कितने हैं। अब देखिए, विश्व धरोहर स्थल जो होता है वो किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ जो विश्व धरोहर स्थल है भारत में वो कितने हैं वर्तमान में। देखिए, टोटल अभी वर्तमान में जो विश्व धरोहर स्थल है वो है 38। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 38। ऑप्शन सी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, नोम खिलेम बंजे अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है ए मेघालय, बी अरुणाचल, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। देखिए, नोम खिलेम बंजे अभ्यारण्य जो है वो मेघालय में स्थित है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। अब हम देखते हैं कि आखिर नोंग खिलेम बंजे अभ्यारण्य चर्चा में क्यों रहा। देखिए, चर्चा में इसके रहने के पीछे ये था कि यहाँ से एक डिस्क फुटेड बैट की खोज गई, अर्थात चमगादड़ की खोज की गई है। और इसकी खासियत यह है कि ये बांस से चिपका रहता है, जो बांस होते हैं बंबू होता है उस पर चिपका रहता है ये डिस्क फुटेड बैट। और ये कहाँ मिला है, नोंग खिलेम बंजे अभ्यारण्य में। तो नोंग खिलेम बंजे अभ्यारण्य चर्चा में था, तो हम मेघालय के अन्य बंजे अभ्यारण्य को भी देख लेते हैं। सिजू बंजी अभ्यारण्य कहाँ है, मेघालय में ही है। नरपू बंजी अभ्यारण्य कहाँ है, मेघालय में ही है। बागमारा पीचर पौधा अभ्यारण्य ये भी कहाँ है, मेघालय में है। और नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, मेघालय में ही है। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है, नोकरेक बंजी अभ्यारण्य मेघालय, बागमारा पीचर पौधा अभ्यारण्य कहाँ है, मेघालय, नरपू बंजी अभ्यारण्य कहाँ है, मेघालय, सिजू बंजी अभ्यारण्य कहाँ है, मेघालय, और फाइनली नोंग खिलेम बंजे अभ्यारण्य का है तो मेघालय। तो इतना आपको अभ्यारण्य मेघालय से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा देश लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। देखिए, इसी साल अक्टूबर में आपको बताना है कि इनमें से किस देश के द्वारा लूनर 25 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी रूस। देखिए, लूनर 25 मिशन जो है वो रूस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अतः इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रूस। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रोस्कोमोस, क्या है, रोस्कोमोस। तो इंडिया के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, इंडिया के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। अगर अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी पूछता है तो उसके नाम क्या है, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। ये सब आपको याद रखने हैं। सो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस है जो अक्टूबर में लूनर मिशन को लॉन्च करेगा। और ये जो लैंडिंग मिशन है लूनर 25, ये चंद्रमा के सतह के नीचे जो बर्फ जमा है उसी का अध्ययन करेगा। क्या करेगा, लूनर 25 चंद्रमा के सतह के नीचे जमी हुई बर्फ का अध्ययन करेगा। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य के द्वारा 2022 तक हर घर जल, 2022 तक हर घर जल पहुंचाने की योजना की घोषणा की गई है। आपके पास ऑप्शन है ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। देखिए, पंजाब सरकार के द्वारा 2022 में हर घर जल पहुंचाने की योजना की घोषणा की गई है, अर्थात
2022 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि हर घर तक जल पहुंचा दिया जाएगा। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। अब पंजाब न्यूज में है तो इसे हम मैप में देख लेते हैं। ये देखिए ये मैप में रेड वाला जो सर्कल किया हुआ है ये क्या है, पंजाब है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और पंजाब के राज्यपाल कौन है, बीपी सिंह बदनेर है। तो इतना इस न्यूज से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के द्वारा वित्तीय फर्मों के लिए दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून बनाया गया है। आपको बताना है कि दुनिया का पहला देश कौन बन गया है जो वित्तीय फर्मों से जलवायु परिवर्तन पर उनके अगेंस्ट में जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाया है। आपके पास ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी अमेरिका, डी जापान। देखिए वित्तीय फर्मों के लिए दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला देश जो बना है वो न्यूजीलैंड बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। अब चूंकि न्यूजीलैंड न्यूज में, तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये है न्यूजीलैंड, आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है ये क्या है, न्यूजीलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही न्यूजीलैंड है। और इसने वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाया है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका टारगेट है कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने का, किसका, न्यूजीलैंड का। तो इतना आपको इस न्यूज़ से याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।